देश में लॉकडाउन घोषित होने के बाद से पढ़ाई करने वाले छात्र अपने घरों से दूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं और वीडियो मैसेज जारी कर सरकारों से अपने घर पहुंचाने की मांग कर रहे हैं। ऐसा ही वीडियो मैसेज सामने आया है तमिलनाडु के मदुरई से, जहां फंसी हुई कई महिला खिलाड़ियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से वापस अपने घर बुलाने की गुहार लगाई। मंत्री जी, मेरा नाम संजना कौशिक है। मेरा नाम साक्षी कौशिक है। मेरा नाम कुर्णिका श्रीवास्तव है। हम जिला धमतरी छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम प्लेयर्स हैं और हम यहाँ स्पोर्ट्स कोटा से हमारा एडमिशन हुआ है, तो हम यहाँ के एमओपी वैष्णव कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। कोविड-19 के कारण हमें बहुत सारी परेशानियाँ यहाँ हो रही हैं। हमारे सब साथी अपने घर जा चुके हैं और हमें यहाँ खाने पीने की भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हमने सुना है कि कोटा के किसी स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स को वहाँ लाया जा चुका है, तो सर प्लीज़ अभी हमारी हेल्प करें, हमें अपने घर पहुँचा दें। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम सारिका कौशिक है। मैं जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं मदुरई तमिलनाडु में मंगियर करसी कॉलेज में की एक छात्रा हूँ। मैं यहाँ स्पोर्ट्स कोटा से पढ़ाई कर रही हूँ। कोरोना वायरस के कारण हमें बहुत सी परेशानियाँ हो रही हैं। कोरोना वायरस के कारण कॉलेजेस के हॉस्टल भी बंद हो चुके हैं, जिसके कारण मैं अपनी एक शिक्षिका के घर में रुकी हुई हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे मेरे घर पहुँचाने में मेरी सहायता करें। धन्यवाद।